गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर. हमने जो अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था कंप्यूटर का, स्टार्ट एंड टर्न ऑफ अ कंप्यूटर, इस चैप्टर का आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमें जो है अपना कंप्यूटर किस तरीके से ऑन करना चाहिए और जो है कौन से स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं. ठीक है, और कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, वो भी जो जो प्रोसेस है या जो स्टेप्स है उसके जरिए, नहीं तो जो है कंप्यूटर हमारा वो खराब हो सकता है. ठीक है, तो किस तरीके से ऑन करना है ये हमने देख लिया था. अब इसके आगे देखना था, हमें अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. You will see the screen as given when your computer is turned on. ठीक है, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो इस तरीके से स्क्रीन जो है आपके कंप्यूटर की खुल जाएगी, जैसे जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. यही क्या कहलाता है हमारा, डेस्कटॉप. ठीक है, मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स. ठीक है, जो ये स्मॉल पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे आइकॉन्स है. ठीक है, जो कि हमें डेस्कटॉप पे शो हो रहा है. द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर. जो आप लेफ्ट कॉर्नर होता है यहाँ पर आपको जो सर्कल किया हुआ है ये स्टार्ट बटन शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट बटन होता है. हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर किस तरीके से ऑन होगा, किस तरीके से स्क्रीन दिखेगा, वो तो हमने देख लिया. अब कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करना चाहिए या कैसे ऑफ करना चाहिए ये हमें देखना है. ठीक है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, विद द हेल्प ऑफ द माउस क्लिक द स्टार्ट बटन ऑन योर डेस्कटॉप. आपको जो है अपने माउस के थ्रू जो है ये स्टार्ट बटन को क्लिक करना है. ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. देन नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है क्लिक ऑन द टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू. ठीक है, स्टार्ट मेन्यू पे जो है आपको टर्न ऑफ का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, स्टेप 3 में क्लिक ऑन द टर्न ऑफ, फिर उसको जो है आपको टर्न ऑफ पे क्लिक करना है ऑप्शन फ्रॉम द विंडो दैट अपीयर्स. ठीक है, स्टेप 4 में स्विच ऑफ द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन इट. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, जब आप उस पर टर्न ऑफ वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे उसके बाद जो मॉनिटर पे आपका प्रेस बटन है आप उसको क्लिक करेंगे. स्विच ऑफ द यूपीएस बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन इट. ठीक है, फिर उसके बाद यूपीएस का पावर बटन ऑफ करेंगे जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है. एट लास्ट स्विच ऑफ द पावर स्विच. उसके बाद आपको जो है जो पावर स्विच है उसको ऑफ कर देना है. ठीक है, कॉशन डू नॉट स्विच ऑफ द सीपीयू डायरेक्टली. आपको जो है डायरेक्टली सीपीयू, अच्छा अब जो है शट डाउन करने का भी हमारे पास पूरा एक स्टेप है जिसे हमें फॉलो करना होता है. ठीक है, पहले आपको स्टार्ट पे जाना है, उसके बाद आपको जो है टर्न ऑफ कंप्यूटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप मॉनिटर का जो पावर बटन होता है उसको ऑफ करेंगे, उसके बाद यूपीएस का करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट आप सीपीयू का अगर जो है पावर बटन ऑफ करते हैं तो इससे जो है जो कंप्यूटर है वो खराब हो सकता है. ठीक है, तो ये वो स्टेप्स हमने देखे कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, शट डाउन करने के स्टेप देख लिए हमने, कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं ये हमने देख लिया. ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है. और आप जब भी कंप्यूटर ऑन करें या ऑफ करें तो आप इन स्टेप्स को अपने दिमाग में रखें और इसके जरिए जो करें कोई भी जो है चीज़ या पावर स्विच डायरेक्ट ऑन ऑफ ना करें, इससे कंप्यूटर जो है वो खराब हो सकता है. ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है.